ये सफेद हंस का जोड़ा कागज के छोटे इकाइयों से बनता है। इसके लिए आपको एक मुरब्बानुमा कागज दरकार होगा। सबसे पहले निस तय करें, इसके बाद दरमियान से इसे बराबर हिस्से में काट दें, जिससे दो मुस्ततील बन जाए। अब इसमें एक मुस्ततील से एक इकाई बनेगी। सबसे पहले इस मुस्ततील को आप लंबाई की जानिब से दरमियान से निस तय करें और इसके बाद फिर चौड़ाई की जानिब से निस तय करें। दरमियानी लकीर से दोनों सिरे तक तय करके एक तीर जैसा बना लें, जैसे एक मुसल्लस नुमा छत होती है। कागज को पलट दें और इसके मुसल्लस के दोनों छोटे छोटे त्रिकोण की तरह तय करें। आप कागज की पहली जेब जैसी इस जेब के अंदर दोनों मुसल्लस नुमा सिरों को डाल दें। इससे एक मुसल्लस नुमा बन जाएगा। अब हंस का एक इकाई बनाने के लिए एक ही आखिरी कदम बाकी है। मुसल्लस को आप आधे में तय करें। आप देखेंगे कि आप एक तरफ दो छोटी छोटी सी जेबें हैं और दूसरी तरफ एक दोहरी चोंच। हमको इस तरह से लगभग 500 इकाई दरकार होगी। अब क्या करना है, दोनों चोंचों को दोनों जेबों में डालते जाएं। इस तरह से इकाई को आपस में मिलाएं और इनको शक्ल देंगे तो वो दायरा नुमा रिंग बन जाएगा। ये रिंग बनेगा बुनियाद जिस पर हंस खड़ा रहेगा। इस तरह से इकाई को जोड़ जोड़ कर आप हंस की चोंच बनाएंगे। ये थोड़ी सी लचीली होगी, इसको थोड़ा सा मोड़ सकते हैं, इसे आप अपने मुताबिक सही कर सकते हैं। और चोंच की जगह काले रंग का मुसल्लस लगा दे और आंख लगा दे। ये बन गई गर्दन और चोंच। इसके बाद हंस का जिस्म एक एक इकाई जोड़कर बनाएंगे। इसमें रंगीन इकाई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे हंस खूबसूरत नजर आएगा। और आखिर में इसकी चोंच को नस्ब करें। अब ये रहा आपका बिल्कुल खूबसूरत वाला हंस तैयार है। अब हंस के लिए साथी भी बना दीजिए। ये रहा आपका दूसरा हंस। ऐसा माना जाता है कि हंसों की जोड़ी रंगीली होती है।